ऐसी एक जगह जहाँ है जॉय, पीस और फैमिली वाला लव, तो ऐसी एक परी कहानी में आज आप लोगों को ले चलती हूँ। और इस कहानी का राजा है ये, और ये है रानी, और ये इनकी परीलोक की दुनिया। हाय, मैरी क्रिसमस। टोरंटो में कोई भी नई चीज मैंने जब भी एक्सप्लोर की और आपके साथ साझी की, आपने मुझे बेशुमार प्यार दिया। होपफुली आपको आज का ये विंटेज क्रिसमस विलेज मार्केट भी मेरे साथ घूमना उतना ही अच्छा लगेगा। रेडी हैं? What better place to stay or to begin my vlog today? Love and light with Mala. Love and light with Mala. एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत 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 खुश और मजे में होंगे। मैं भी यहाँ फिट एंड फाइन। तो अभी बज रहे हैं दोपहर फिर एक। एक्चुअली मैं और यार मजुमदार निकल रहे हैं टू अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वो तो आपके साथ शेयर होगा ही। मैं आपको अक्सर ही कहती हूँ ना, यहाँ के रास्ते कितने खूबसूरत हैं। देखिए, लग रहा है दोनों तरफ मखमली सफेद कालीन बिछी है, है ना। So we have reached this streetcar stoppage and we are waiting for our streetcar and एक fairy tales जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं वैसे कुछ एक जगह में मैं और यार मजुमदार आज जा रहे हैं। आप बोल सकते हैं एक डेट। तो फिलहाल मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मुझे बस पहुँचने दीजिए, फिंगर क्रॉस्ड। फिर तो आपके साथ सारा कुछ मैं शेयर करूंगी कि हम लोग कहाँ पहुँचे। बस इतना कहती हूँ कुछ परीलोक की कहानी जैसा कुछ एक होने वाला है। स्ट्रीट कार में हर बार बैठ के हम लोग ऐसे ही मजे करते हैं, पता है, बहुत अच्छा लगता है। और वेदर भी आज पूरा साथ दे रहा था। और जब जब मैं बैठती हूँ ना स्ट्रीट कार में, बस मैं आंखें मेरी फटी की फटी ऐसी रहती है यहाँ की बिल्डिंग्स देख के। और एक चर्च जो है ना आगे नज़र में पड़ा, मैं तो बस देखती रह गई। क्रिसमस में मालूम नहीं था इसलिए जा नहीं पाए, बट कभी तो मैं देखती हूँ, नए साल के बाद तो यहाँ पे पक्का जाऊँगी। बहुत सुंदर चर्च लगा। कभी मैं आपको ये चर्च दिखाने की कोशिश करूंगी। एनीवेज, स्टॉप रिक्वेस्टेड कर दिया, हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट आ गया था और स्ट्रीट कार को कर दिया बाय बाय। पार्लियामेंट स्ट्रीट उतर गए हैं और द वेदर इज सो सुपर्ब। देखिए स्नो है बट सी द सन, उतना ही सनी है, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, टच वुड। अभी तक वेदर जो है बहुत साथ दे रहा है। और ये रहे शेरलॉक होम्स, आगे का रास्ता देख रहे हैं, धूप और स्नो। वो बस कुछ ही देर में पहुंचेंगे और फिर आप देखिएगा, इवन मुझे भी नहीं मालूम, अभी तक मैंने सिर्फ इंस्टा में उसके पिक्स देखे थे। मैं ऐसे हटूंगी और आप लोग देखिएगा कि हम लोग कहाँ पहुंच गए। दिस विंटर विलेज हम लोगों के बकेट लिस्ट में बहुत दिनों से था, तो आई डोंट नो व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, बट इतना बता सकती हूँ पूरे टोरंटो का 52 फुट हाई क्रिसमस ट्री में आज आप लोगों को दिखाऊंगी। एक्साइटेड? चलिए चलिए ऐसे करके वी हैव टू स्कैन एंड जो कोविड का जो वैक्सीनेशन है उसका प्रूफ एंड ऑल करके सबमिट करके देन वी आर इन। अभी मेरा हो गया है स्कैनिंग, अभी यार मजुमदार अपना कर रहे हैं एंड देन वी विल गो इनसाइड। तो यार मजुमदार बोल रहे सब तैयारी करके आना पड़ता है, तो वो है ना मेरा ढाल मेरे साथ, तो वो सब तैयारी करके आए थे, मुझे तो मालूम भी नहीं था। एंड नाउ वी आर एंट्रिंग, तो दिस इज द विंटर विलेज। और जहां मुझे लगेगा मैं मास्क खोलने की कोशिश करूंगी, बट आई डोंट थिंक सो क्योंकि सब लिखा हुआ है। सी द फाइन। ऐसे गाने बज रहे हैं एंड वी आर एंटरिंग। ये पता है मुझे कोई, सच में मैंने आपको कहा था ना फेरी टेल्स का स्टोरी बुक वैसा ही लग रहा है कि पहला पन्ना उल्टा और हम लोग पहुंच गए। आप लोग बस मजे करिए और मेरे साथ आजिए विंटेज विलेज एंजॉय करिए। ये जो विंटर विलेज मार्केट है ये नवंबर 18 से शुरू हुआ था और ये 31 दिसंबर तक बोला जा रहा है रहेगा, ईव तक। सो इट्स अ परफेक्ट प्लेस वेयर यू कैन शॉप, यू कैन टेक पिकअप द थिंग्स फॉर योर गिफ्टिंग पर्पज़।
और फाइनेस्ट क्राफ्टमैनशिप की चीजें आपको दिखेंगी, लोकल शॉप्स हैं। पोस्ट क्रिसमस इज द बेस्ट गिफ्ट। और अब जिसका सबसे बेकरारी से वेट था 50 फीट या 52 फीट जो भी है टॉल क्रिसमस ट्री इन ऑल टोरंटो का। Yes, so this is the 55 foot tall silver fir tree. Time is 2:15 and we are here. Have a holy jolly Christmas. And this Christmas tree is shining with 60,000 twinkling lights, over 600 decorative ornaments and 2 kilometers of garlands. Huge. यही बैनर मैंने सबसे पहली बार इंस्टा में देखा था गॉर्डन एंड गॉड्स लिमिटेड करके और मुझे लगा था कि यस आई वुड डेफिनेटली गो समडे। पता है मुझे लग रहा है मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। आई होप आई कैन यू नो सेंड द वाइब्स टू यू ऑल। किसी को बोल के फोटो खिंचवाते हैं, रुकिए। जिन्होंने हमारी पिक खींची फिर यार मजुमदार ने भी उनकी पिक खींच दी। और यहाँ से घुसते ही यू नो सारे लोकल शॉप्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, यू कैन डाइन इन, कहीं पे चीज मिल रहा था, कहीं पे कुछ। मजा आ रहा है ना? हियर यू कैन पिक अप द परफेक्ट गिफ्ट एट योर सिलेक्शन ऑफ टोरंटोस फाइनेस्ट क्राफ्ट्स पीपल। देन लोकल शॉप्स थे और ये दुकान में तो मैं घुस गई क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ तो लेना था। ये दुकान जर्मनी की थी, वहाँ के जर्मनी की जो हैंडक्राफ्ट सब चीज़ें थी, हाथ से बनी हुई हैंडमेड वो सब चीज़ें थी और मेरी नज़र तो ना इन फेरीज और एंजल्स पे पड़ गई थी। यहाँ से मुझे तो कुछ लेना था, मैं देख रही थी। एंड यस मैंने ले लिया। इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड की ओर मुड़े और देखिए, इट्स लवली यू नो, सबने अपने अपने नाम लिखकर ऐसे लॉक करके रखा है, लव लॉक किया, लव लॉक। तो इसमें मैंने भी लिख दिया लव एंड लाइफ विद माला की फैमिली एंड माला यार मजुमदार एंड माला ट्विंस माला एक माला सबके साथ माला। और इसके आगे ना लाइन से सब रेस्टोरेंट्स और ईटरीज ईटिंग प्लेसेस थी और हर एक जो कैफे या जो भी पैटियो था ना वो अपने में एक मिसाल था। इतना सुंदर से सजाया हुआ था इन लोगों ने, लग ही नहीं रहा था कि इट इज़ जस्ट फॉर यू नो फ्यू डेज। और ये जगह तो मुझे बहुत अच्छी लगी फैमिली, यहाँ पे एक पिक तो होनी चाहिए थी। आगे हम लोग गए, देखें यहाँ पे भी पूरा लॉक से इन लोगों ने सजाया है। सो वी आर वेटिंग इन क्यू टू गेट, भूख लग गई है बहुत तो हम लोग आए हैं एंड यहाँ पे जो मेन्यू है वहाँ पे देखा है एक पिज़्ज़ा पनीनो करके है और एक समोसा रैप है, देन यू गेट सराचा चिकन रैप, टूना सैलड रैप, तो ऐसे रोक के ये सब खा सकते हैं। एंड हियर आल्सो दे आर आस्किंग प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन आईडी, सो इफ़ यू आर डाइनिंग इंडोर सो यू हैव टू हैव अ प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। सो लेट्स सी, चलते हैं, क्यू आगे बढ़ रही है, अभी बहुत ज़ोर से भूख लग गई है, लेट्स ईट। अच्छा हुआ जगह भी मिल गई और खाना ऑर्डर भी कर लिया है, अभी आएगा उसके बाद खाएंगे। और देखिए 7 नंबर 7 यहाँ भी है, बहुत भूख लग गई है। सो सिराचा चिकन रैप जो है खत्म हो गया था, दिस इज समोसा रैप एंड दिस इज टूना क्या था सैलड, टूना सैलड रैप। और ये है पेस्टो पास्ता सैलेड। तो अभी आक्रमण, लेकिन यार मजुमदार के साथ ऐसे निकले हैं ना, इतना ज़्यादा टाइम के लिए मैं इनके साथ, मुझे लगता है ट्विंस होने के बाद पहली बार ही निकली हूँ और वो भी एकदम ऐसी जगह में, बहुत अच्छा लग रहा है, वैलेंटाइन जैसी फील आ रही है। हाँ यार मजुमदार ठंडा, इतनी ठंडी में ठंडा सैलेड खाओ, बट वॉट एवर जो भी है, जय माँ अन्नपूर्णा इत्यादि की मास करके खा लेते हैं। सो पेट पूजा एंड ऑल डन, अब मास ऊपर करने की बारी और अब बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या है।
बाप रे बाप, बड़ी ठंडी हो गई है, बहुत ठंडी। कितना है टेम्परेचर? लोग अंदर बैठ के हम लोगों ने खाना खाया ना, बाहर आके तो एकदम कपकपी हो रही है। के क्यू, दिस क्यू इज फॉर हॉट चॉकलेट। यार मसुमदार वॉज ऑफरिंग मी टू पी ले हॉट चॉकलेट, बट मैं ना हॉट चॉकलेट की इतनी शौकीन नहीं हूँ, तो इसलिए हम लोग रुके नहीं और ऑलमोस्ट ऑल हमने सब कुछ कवर कर लिया था, तो वी वर सो हैप्पी। कुल्फी जम गई। सो वक्त है, हम लोग जब आए थे तब यहाँ पे मैंने दिखाया आपको 2:15 और अब बज रहे हैं 4, लेकिन बहुत ठंड शुरू हो गई है। थोड़ा और घूमने का मन था बट अभी हम निकल रहे हैं। एंड लेट मी एंड माई व्लॉग फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल पॉइंट। ये यादगार रह जाना चाहिए इस साल का, 2021 का एक बहुत खूबसूरत लम्हा आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। जिस रास्ते आए थे अब उसी जगह से लौट रहे हैं और ये देखिए, इट्स अ ब्यूटिफुल मुराल डिस्प्ले नेम्ड एज हील। आई होप आपने आज हमारे साथ ये विंटेज विलेज मार्केट एंजॉय किया है। जिस नजरिए से मैंने इसको देखा ना, मैं वो वाइब्स आप तक पहुंचा पाई और अभी ना और बात नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज हाथ हो रहे हैं फ्रीज विद ग्लोव्स। इट्स डिफिकल्ट टू होल्ड द कैमरा, गिरने का चांसेस है। सो आई होप आपने मेरे साथ ये फेरी टेल्स वाला जो सफर है आज का एंजॉय किया है। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छी लगी होगी दे दीजिएगा लाइक, और जिन्होंने मेरे कनेडियन फ्रेंड्स अभी तक नहीं घूमा है जरूर आके देखकर जाइए दिस विलेज विंटेज मार्केट, इट्स ऑसम। लाइक ऑल गुड थिंग्स कम्स टू एन एंड, तो ये फेरी टेल परी लोग की यात्रा भी हो गई है अब खत्म। अब यहाँ से एग्जिट याद है, यहीं से हम लोग आए थे, अब यहाँ से निकलने की बारी। और नाक जो है बिल्कुल रुडोल्फ जैसी हो गई है, बट मजा आ गया। दिल से शुरू किया था सफर, अब इस दिल से एंडिंग। बाय बाय डिस्टिलरी विंटेज विलेज मार्केट, बाय बाय। चलिए जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा, बाय 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 बाय, लव एंड लाइट विद माला। तो अब कहानी हुई खत्म, राजा रानी चले वापस घर की ओर। बाय। So I hope you all have explored with us the Toronto's most iconic neighborhood, that is the Distillery Winter Village Market. छोड़े जाती हूँ कुछ captures के साथ। Bye.